उफ, आई एम स्टिल फीलिंग नम। व्हाट अ मूवी, बाप रे बाप। मैं बात कर रही हूँ मलयालम मूवी आदु जीवितम की। बिलीव मी, इट्स अ 2 आवर 57 मिनट्स पैकेज ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। मूवी के अंत में आपको ऐसे लगता है जैसे कि आपने खुद नजीब की ये कहानी जी ली हो। यू फील लाइक यू हैव रीलिव्ड दोज पेनफुल मोमेंट्स अलोंग विद हिम। तो जब आप थिएटर हॉल से बाहर निकलते हो, यू विल एक्चुअली फील टायर्ड एंड काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड एंड हैवी हार्टेड। दिस मूवी एंड दिस एक्टर डिजर्व एन अवार्ड। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसमें इंग्लिश सबटाइटल्स मिसिंग थे ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, लेकिन इस एरर को फटाफट रेक्टिफाई किया गया। थैंकफुली आई सॉ दिस मूवी विद इंग्लिश सबटाइटल्स। थिएटर कंप्लीटली पैक था आज थैंक्स टू ईस्टर हॉलीडेज। मैंने लिटरली थर्ड रो में बैठकर ये मूवी देखी, समथिंग दैट आई रियली डोंट लाइक डूइंग। जस्ट इमेजिन द टिकट्स वर हाईली प्राइस्ड और इतना पे करने के बाद थर्ड रो में बैठकर पूरी मूवी देखना साउंड्स अनफेयर, राइट? पहले तो मुझे भी ऐसे ही लगा, लेकिन देन आई फेल्ट इट वॉज ओके। मैं मूवी में इतनी खो गई थी कि आफ्टर अ पॉइंट नथिंग एल्स मैटर्ड। कहानी है केरला में रहने वाले नजीब की, जो अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के चक्कर में मिडिल ईस्ट पहुंचता है। वहां पर धोखे से नजीब को जबरदस्ती बकरी चराने के काम पर लगाया जाता है, वो भी रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां से भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पृथ्वीराज सुकुमारन ने ऐसा जबरदस्त काम किया है कि क्या कहूं, आई एम स्टन्ड एंड स्पीचलेस। शब्द नहीं है मेरे पास इस एक्टर के लिए। हिज इज अ प्रेज़वर्दी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस, जस्ट अमेजिंग। एक्चुअली द इफेक्ट ऑफ द मूवी गेट सेवरल टाइम्स एम्पलीफाइड व्हेन यू गेट टू नो दैट दिस इज अ ट्रू स्टोरी। किसी के साथ सच में ऐसा कुछ हुआ है सोचकर ही दिमाग खराब हो जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन का जो एफर्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इट सम प्लेस रिमाइंडेड मी ऑफ रणदीप हुडा फ्रॉम स्वातंत्र वीर सावरकर। बाप रे क्या ट्रांसफॉर्मेशन है पृथ्वीराज का, इट विल लिटरली शॉक यू। अमला पॉल भी है इस फिल्म में, बट शी हार्डली हैज एनी स्कोप टू परफॉर्म। ब्लेसी एज ए डायरेक्टर ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स है इस फिल्म में। द कैरेक्टर्स हेल्पलेसनेस एंड नेवर एंडिंग सफरिंग गेट्स टू यू एट वन पॉइंट। एक्चुअली टू टेल यू द ट्रूथ, इंटरवल के पहले मुझे ये फिल्म थोड़ी सी स्लो लगी, मतलब आई एक्चुअली फेल्ट बोर्ड मेनी अ टाइम्स। ऑल यू सी इज अ सी ऑफ सैंड एंड नाजिक क्राइम। लेकिन इंटरवल के बाद बाप रे, जिस पॉइंट से वो लोग वहां से भाग निकलते हैं, उस पॉइंट से द मूवी मेस्मराइजेस यू। यू विल बी कम्प्लीटली इन टू द मूवी, मतलब आपकी आंखें स्क्रीन से बिल्कुल भी नहीं हटेगी, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। पोस्ट इंटरवेल द फिल्म चेंजेस इट्स गियर। यू सी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेज, माइंड ब्लोइंग सिचुएशंस विच इंक्लूड बैटलिंग सैंड स्टॉर्म्स एंड स्नेक्स। द कैरेक्टर्स सफर फ्रॉम हेलुसिनेशंस, क्या कुछ नहीं होता है उन लोगों के साथ। After a time, their suffering becomes unbearable and you start wishing and hoping that they find the road soon. Aadu Jeevitam is a fantastic attempt. Ye movie dekhne par yahan par dard hota hai. It's painful to watch. I highly recommend it. At least ek baar to zarur dekhna is movie ko. Amazon Prime पर मैंने एक और engaging web series देखी, Inspector Rishi. Inspector Rishi is a Tamil horror crime supernatural series created, written and directed by J.S. Nandini. सीरीज के स्टारकास्ट में है नवीन चंद्रा, सुनैना येल्ला और कन्ना रवि। कोयम्बतूर के किसी गांव के फॉरेस्ट एरिया में एक के बाद एक मर्डर्स होते हैं। दीज मर्डर्स आर रूमर्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय द फॉरेस्ट स्पिरिट वनराची। इंस्पेक्टर ऋषि, आई मीन ये टाइटल मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मतलब इंस्पेक्टर ऋषि एक ऐसा टाइटल है। आफ्टर ऑल ये एक सुपरनेचुरल सीरीज है, इट्स ओनली राइट टू हैव एन एक्साइटिंग टाइटल। इंस्पेक्टर ऋषि साउंड्स वेरी ब्लैंड, हालांकि सीरीज बिल्कुल भी ब्लैंड नहीं है, बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है, सो इग्नोर द टाइटल। सीरीज के हर मोड पर ट्विस्ट्स टर्न्स हॉरर्स भर भर के है। द प्रेजेंस ऑफ वनराची एड्स द नेसेसरी थ्रिल्स एंड चिल्स टू द सीरीज। पूरे सीरीज में सस्पेंस का एक समा बना रहता है, यू रियली एंजॉय इट। थोड़ा सा डर, क्यूरियोसिटी, बीच बीच में झटके, यू एक्सपीरियंस इट ऑल। स्टोरी लाइन भी अच्छी लगी मुझे, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी अच्छा है। एवरी कैरेक्टर हैज अ बैक स्टोरी विच इज काइंड ऑफ नाइस, येट नॉट नेसेसरी। अननेसेसरली सीरीज का लेंथ बढ़ जाता है। आई फेल्ट इट वॉज इट नेसेसरी फॉर द सीरीज टू डेल्व ऑन ईच एंड एवरी कैरेक्टर। क्लाइमैक्स कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली द वे आई हैड थॉट। So there are some nice surprises at the end. सारे एक्टर्स ने अच्छा काम किया है। So if you are someone who likes watching supernatural thrillers, then this one is for you. Watch it, मजा आएगा। फिर मैंने मलयालम क्राइम थ्रिलर अब्राहम ओस्लर भी देखा। I couldn't watch it when it had first hit the theaters, लेकिन फिर अब मैंने इसे डिज्नी हॉटस्टार पे देखा। The film stars Jayaram in the lead role alongside Mammootty, Anaswara Rajan, Anoop
मेनन, अर्जुन, अशोकन, आर्य सलीम, सेंटल कृष्णा, जगदीश एंड सहजू गुरुक। फिल्म में एसीबी अब्राहम ऑजलर एक सीरियल किलर को ढूंढते हुए नजर आते हैं। सच कहूं तो फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है कुछ खास नहीं लगा मुझे। असली मजा सेकेंड हाफ में आता है। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मैसी लगा मुझे, सेकेंड हाफ वर्क्स बेटर। जयराम की परफॉर्मेंस ओके ओके है। ममूटी एज ऑलवेज शाइन्स इन दिस शॉर्ट रोल। मुझे यंग ममूटी की हीरोइन बहुत अच्छी लगी, बहुत क्यूट है। दे आर पेयरिंग इज ऑल्सो वेरी नाइस। एज फार एज मिस्ट्री इज कंसर्न, आप आसानी से गैस नहीं कर पाओगे कि किलर कौन है। ये एक इमोशनल क्राइम ड्रामा है। कातिल की कहानी आपको थोड़ा सा इमोशनल कर देगी। यू विल हैव मेजर सिंपैथी फॉर द किलर। अब्राहम ऑजलर का जो कैरेक्टर है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। आई मीन ही इज द लीड कैरेक्टर एंड एसीपी ट्राइंग टू सॉल्व अ क्राइम, लेकिन मुझे ये कैरेक्टर काफी ढीला लगा। ओके, अंडरस्टूड ही हैज अ पेनफुल पास्ट, लेकिन अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी क्राइम ड्रामास में जो इन्वेस्टिगेटर या पुलिस रहते हैं, द पर्सन इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम, उसका पास्ट मोस्टली पेनफुल ही रहता है। येट दोस कैरेक्टर्स डोंट कम अक्रॉस एज वीक, दे कम अक्रॉस एज एंग्री, नॉट वीक। ऑजलर लुक्स डिसइंटरेस्टेड एंड बोर्ड, बंदे में फायर ही नहीं, तो ऑजलर कुड हैव लुक्ड अ लिटिल मोर डायनामिक। खैर, क्लाइमैक्स विज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, लीव्स यू वंडरिंग। ऑब्वियसली इट ऑल्सो हिंट्स एट अब्राहम ऑजलर पार्ट टू। तो मेरे हिसाब से अब्राहम ऑजलर एक डिसेंट क्राइम थ्रिलर है। यू कुड प्रॉबली वॉच इट ऑन अ लेजी वीकेंड।